मैं सुनाता है साहब, आपको पूरी कहानी सुनाता है। मैं मेरा बाप बहुत अच्छा था। वो जो दूर घाटी पे बस्ती देख रहे हैं ना साहब, वहीं पे मेरा घर था। मेरा बाप साहब वहीं पे चाय के बगान में काम किया करता था। बड़ा हंसमुख इंसान था साहब, और क्या इज्जत थी उसके गांव में साहब। क्यों ना हो, यूनियन का जो लीडर था, मुझे मेरे बाप से ना साहब बहुत मोहब्बत मिली साहब, बहुत मोहब्बत मिली। और साहब जो वो पेड़ देख रहे हैं साहब, पेड़ उस पर जो मोटी रस्सी का झूला है साहब, मेरा बाप मुझे उसी झूले बैठा के झूला झुलाया करता था। मैं कहता था और ऊपर झूला साहब, साए साए साए। और जब झूला और जब झूला नीचे आता है ना, तो साहब गेट में गुदगुदी होता है ना। फिर एक दिन अचानक घर पे पुलिस आई साहब, और मेरे बाप को उठा के ले गई। और तो और मेरी अपनी माँ मुझे छोड़ के चली गई साहब। कोई माँ जो अपनी औलाद को छोड़ के जाए, कितना सा रोऊंगा मैं, इतना सा साहब। मैं पूरी रात रोता गया, बिलखता गया। किसी की मजाल, किसी ने मुझे एक बूंद तक पानी पूछा? कोई नहीं पूछता है साहब, कोई नहीं पूछता है। जब रात आई ना साहब, तो भूख लगती है ना साहब, तो भूख लगती है तो ऐसा लगता है कोई जानवर अपने नाखूनों से अपने पंजों से पेट को नोच रहा हो साहब। पागल हो जाता है इंसान, पागल हो जाता है। मैं रोते रोते उसी पेड़ के पास गया साहब। मैंने वहां देखा एक कुत्ता कहीं से रोटी का टुकड़ा लाके तब से चबाए जा रहा है, चबड़ चबड़ चबड़। मैंने उठाई, टोटने मारा उसके सर पे। वो भागा साहब मैं उसके पीछे भागा, और उसने मुझसे अपने रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया। मैंने वही झूठी रोटी का टुकड़ा उठाया और खा लिया साहब। उस दिन ऐसा लगा ना साहब कि धरती और आसमान पे किसी ने लिख दिया हो कि देख रे मुन्ना, देख, अगर जीना है तो जीना सीख, अगर जीना है तो मरना सीख। ऐसा लगता है साहब, ऐसा लगता है। मुझे मेरे बाप के पास जाना है साहब, मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ साहब, मुझे मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ।